नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह के भेजे गए आपके लेख हमें प्राप्त हो गए हैं और वह इस सप्ताह की स्वच्छ दुनिया की ऑनलाइन कॉपी में प्रिंट भी हो गए हैं, पब्लिश हो गए हैं और संभवतः आपको मिल भी गए होंगे। छपे हुए जो लेख हैं उनके प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और शीघ्र आपको भेजे जाएंगे। इसी श्रृंखला में जो इस बार का विषय हम आपके लिए चुन कर लाए हैं वो तत्कालिक विषय है, सामयिक है, समीचीन है, आपके समक्ष रखता हूँ और उसका नाम है शैक्षिक प्रोन्नति। मित्रों, आपने देखा कि दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रोन्नति हो गई। जो बच्चे अभी तक अच्छा नौ में थे वो दसवें में चले गए, जो दस में थे वो ग्यारह में चले गए और अभी जो बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं थी उनके बच्चे भी प्रोन्नत कर दिए गए। अच्छी बात है। कोरोना काल में किसी बच्चे का बाहर निकलना हानिकारक हो सकता है, कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावना है वो बच्चों के लिए ही है, इसलिए हमें जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इसके कुछ प्रत्यक्ष और कुछ परोक्ष परिणाम होंगे। मसलन यदि बच्चा बिना परीक्षा लिए ही पास हो रहा है तो उसके जो दूरगामी परिणाम है वो मैं तो आपसे नहीं कहूँगा, परंतु आपके दिमाग में है, आप इस विषय पर हमें लेख भेजिए। क्या ये अच्छा होता कि जिस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिस प्रकार ऑनलाइन परीक्षाएं मिड टर्म की ली जा रही थी, इस तरह बच्चों को प्रोन्नत न करके वैसे ही ऑनलाइन परीक्षाएं लेकर उनको प्रोन्नत किया जाता। एक बिंदु ये भी आता है कि जब हमें पता था पहले से कि कोरोना काल की तीसरी लहर आ सकती है तो जो बच्चे बारहवीं में थे उनको हम पहले से टीकाकरण कर लेते, प्राथमिक स्तर पर उनको टीकाकरण करके हम परीक्षाओं को करा लेते, क्योंकि आज के लिए नहीं लेकिन भविष्य के लिए ये जो प्रोन्नति है ये शायद कुछ गंभीर परिणाम देने वाली है। मैं उन परिणामों की चर्चा आपसे नहीं कहूँगा, मैं तो आपके कलम से, आपकी लेखनी से आपके विचार जानना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। तो मैं आह्वान करता हूँ शैक्षिक प्रोन्नति, इस विषय पर मुझे अपने लेख आप लिख कर भेजिए, यथासंभव बुधवार तक भेज दीजिए। ईमेल आईडी मैं फिर से आपको बताता हूँ, swachhikdunia@gmail.com swachhikdunia@gmail.com। और मित्रों, अगर इसी विषय पर आपके पास कोई कविता है, कोई जरूरी नहीं कि आप लेख लिखें, अगर आपका कोई वक्तव्य है, कोई विचार है जिसे आप वीडियो मोड में भी हमें भेजना चाहते हैं तो स्वच्छ दुनिया का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें भी हम इसको प्रसारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो कलम